सति परमात्मन मादृशान् मोमुग्धान् कथम तनुवशत्वान् बुद्ध के शान यजेम सुगतमगधरं वागुधीशं शिवं वा जितभवमभिवंदे भासुरं श्रीजिनं वा। 1000 श्री महावीर भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्प श्री सुर सागर जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की। धर्मानुरागी महानुभाव, ऐतिहासिक नगरी उदयपुर में हमने सरोवरों का नाम सुन रखा है। आप तो जहाँ जानते हैं हमने सुन रखा है, हम वहाँ के अपने नहीं कह रहे। एक तो पिछोला है जो प्रसिद्ध है, दूसरा फतेह सागर है, तो तीसरा गोवर्धन निवास है। वहाँ सब दूर तीनों जगह स्थान पर तालाब हैं, सरोवर हैं और वो इधर है वो पाव जैसा डैम बना हुआ है ना, ऐसा पानी बरस रहा। तो कहने का मतलब यह है कि पानी के सरोवर जहाँ पर हैं वहाँ के निवासी, संसार के ताप की बात तो छोड़े हम, लेकिन ग्रीष्म ऋतु का ताप इस वर्ष किसी को भी पता नहीं चला। वैसे ज्येष्ठ और आषाढ़ का महीना जो है वो ग्रीष्म ऋतु का महीना है, लेकिन जैसी गर्मी पिछले दिनों में पड़ी है वैसे इस वर्ष गर्मी नहीं पड़ी। फिर भी ये बात हो सकती है कि आपको आवश्यकता महसूस होती है और आपके घरों में एसी लगे हैं, पंखे लगे हैं, कूलर लगे हैं, उनका सेवन आप करते हैं, ठीक है। संताप को दूर करने के लिए तो कुछ न कुछ उपाय करना ही पड़ता है, पर यह बात जरूर है संताप अनुभव वास्तव में हम करें तब उसका उपाय करें की बात है। अभी आप धर्म देशा सुन रहे थे और संसार रूपी ताप को दूर करने के लिए एकमात्र उपाय है धर्म। उस धर्म से ही सारे संताप दूर हो सकते हैं। उस धर्म का एक अंग है ज्ञान, समीचीन ज्ञान। सुखाड़िया विश्वविद्यालय में नहीं मिलेगा वो ज्ञान, ध्यान रख लेना। सुखाड़िया विश्वविद्यालय में तो वह ज्ञान मिलेगा जिससे आप अपने गृहस्थ जीवन का यापन कैसे कर सकेंगे, इसकी इसका उपाय वहाँ मिलेगा। लेकिन यहाँ तो बात है कि अपने जीवन में, अभी पद्म पुराण का स्वाध्याय चल रहा है, सीता को राम और लक्ष्मण के साथ वन में घूमना पड़ा, लेकिन लोकापवाद के कारण जब वह लंका से अयोध्या लाई गई तो लोगों ने लोकापवाद किया कि जो महिला, जिस महिला का हरण रावण लेकर के गया और लंका में रही,
केवल 11 दिन रही है, ध्यान रखना इससे ज्यादा नहीं रही वो। 12 दिन, 12वें दिन तो राम लक्ष्मण वहाँ पहुँच गए, और उसके बाद युद्ध के बाद वो सीता को लेकर के अयोध्या गए। लेकिन इतने दिन के लिए भी जो अपवाद हुआ उसका, तो राम ने अपने कुल की रक्षा के लिए, अपने कुल की यश कीर्ति को बचाने के लिए सीता को वनवास दे दिया। वनवास देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। हम सहज रूप में हम सोच सकते हैं कि सीता को अयोध्या से बाहर कहीं भी उनके उसका भाई भावमंडल था उसके पास भेज देते, कहीं भेज देते। लेकिन कर्म जो बंधता है वह कर्म इस प्रकार का बंधता है कि उसका फल इस प्रकार भोगे बिना वो हल्का नहीं होता, कम नहीं होता। इसलिए सीता को ऐसे भयानक अटवी में छोड़ा गया जहाँ पर वन्य पशु और उनके ऐसे अतिरिक्त और वहाँ पर कुछ नहीं था। उस अटवी में देखिए पुण्य अर्जन किया जाता है, वो पुण्य धर्म से ही अर्जित होता है। सीता ने पाप का अर्जन भी किया था, पुण्य भी उसके पल्ले में था। वह पुण्य उसके पल्ले में इतना शेष था कि उस भयानक अटवी में भी वज्रंग जैसा राजा जो हाथी का हाथी अपने वश में करने के लिए उस जंगल में आया था अपने सेना के साथ, वह सीता के रुदन को सुनकर के और सीता को बहिन का उद्बोधन दे करके अपने घर ले गए और वहाँ उसकी सुरक्षा हुई। सुरक्षा होकर के क्योंकि सीता गर्भवती थी। अब आप देखिए कि सबका मन तो यही कहेगा कि राम कितने निष्ठुर हो गए थे जो सीता का हरण होने के बाद वन वन में भटकते रहे और वृक्ष और पत्तों से सबसे पूछते रहे तुमने मेरी सीता देखी है क्या। वही राम सीता के लिए इतने निष्ठुर हो गए कि उन्होंने उसको वनवास दे दिया। निष्ठुर नहीं हुए थे, ज्ञानी आत्मा थे, सम्यक दृष्टि आत्मा थे, सम्यक ज्ञान उनके अंतर में था और वो जानते थे कि यदि सीता अब यहीं रहेगी अयोध्या में मेरे साथ ही रहेगी तो लोग इसका अपवाद किए बिना नहीं मानेंगे और इक्ष्वाकु वंश की कुल कीर्ति जो फैली हुई है वो कीर्ति जो है वो नाश को प्राप्त हो जाएगी, उसका कारण मैं नहीं बनना चाहता। इसलिए उन्होंने सीता के व्यामोह छोड़ा और अपने यश की कुल के यश को बढ़ाने के लिए या उसको सुरक्षा करने के लिए उन्होंने सीता को वनवास दिया। ये बात अलग है कि सीता ने दो पुत्रों को वहाँ पर वज्रंग के घर में रह करके उनके महल में जाकर जन्म दिया। लवणांकुश दो पुत्र उसने जन्म दिए और उसके बाद प्रकरण तो यह आ रहा है कि अब लवणांकुश को नारद जी के द्वारा ये पता चला कि सीता की दशा राम ने इस प्रकार की। सीता ने स्वयं जब पुत्रों ने बहुत पूछा तो उसको बताया कि भई ऐसी ऐसी घटना जो तुमने सुनी है वो ठीक है। लवणांकुश दोनों इतने कुशल योद्धा बन चुके थे, उन्होंने मन बना लिया कि अब अयोध्या पर चढ़ाई करके राम लक्ष्मण को उनके कर्तव्य उन्हें जो कार्य किया उसका फल चखेंगे और वो अयोध्या के लिए चल दिए। अब वो आगे चल करके आएगा प्रकरण वो कि वो लवणांकुश जब राम और लक्ष्मण से युद्ध कर रहे हैं तो शंका में लोग थे कि लक्ष्मण राम और लक्ष्मण ये हैं कि ये इतनी शक्ति उन, क्योंकि भाई शक्तिशाली पिता के पुत्र थे ना, राम के पुत्र थे वो, और राम के पुत्र जो थे राम ने अपने ज्ञान से जो कुछ भी प्राप्त किया था उन्हीं के पुत्र थे वो, और वैसे ही शक्तिशाली थे जैसे राम और लक्ष्मण थे। तो उनके युद्ध को देख करके सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि भाई राम लक्ष्मण किसको समझे, इनको समझे कि उनको समझे। तो इसलिए पुण्य का फल जो है धर्म से मिलता है और पुण्य जो है वह सभी प्रकार की सामग्री हमें प्रदान करता है। हम ज्ञान रूपी सरोवर में अवगाहन करने का प्रयत्न करें क्योंकि ज्ञान सरोवर
वह अमृत सरोवर है जिसमें, क्योंकि हमने सुन रखा है कि अमृत जो है एक ऐसा पदार्थ है इससे व्यक्ति अमर हो जाता है, अमृत पान कर ले तो अमरता को प्राप्त हो जाता है। अमरता कहां पर मिलेगी भाई? अमरता तो सिद्धालय में प्राप्त होगी, क्योंकि वहां जो भी आत्माएं पहुंची हैं वो चिरकाल तक क्या अनंत काल के लिए अमर हो गई, वहां से फिर मरण नहीं करेंगी। क्यों इतना अवश्य है? वहां शरीर ही है उनका, यहां पर संसार में शरीर ही मरता है, वहां पर शरीर है, सिद्धालय में भी शरीर है, लेकिन सिद्ध भगवान ज्ञान रूपी शरीर को लेकर के वहां पर विद्यमान है, और उस ज्ञान रूपी शरीर का कभी नाश नहीं होता, इसलिए सभी समीचीन ज्ञान को प्राप्त करके, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करके, क्योंकि ये किसी विद्यालय में, विश्वविद्यालय में या विद्यापीठ में नहीं मिलेगा, यह ज्ञान तो आत्मपीठ में मिलेगा, और आत्मपीठ में ऐसा ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न पुरुषार्थ आपके सबके जीवन में प्राप्त हो। आप सभी उस ज्ञान को प्राप्त करके अपने इस मनुष्य जन्म को सार्थक कर सकें, और इस आत्म तत्व की, जो आत्म तत्व प्रत्येक प्राणी में है, कल हमने बताया था कि पेंसिल के डॉट के बराबर भी जीव होते हैं, उन जीवों में भी वही आत्मा है जो आपके भीतर आत्मा विद्यमान है, उतनी ही बड़ी आत्मा उनके भीतर भी है और उतनी बड़ी आत्मा आपके भीतर भी है, लेकिन आवश्यकता इस बात की है, उस जीव ने तो पाप कर्म किया और पाप कर्म के कारण उसने अपने ज्ञान का उपयोग नहीं किया, इतनी छोटी पर्याय को प्राप्त किया। आपने कुछ पुण्य आपके पल्ले में था कि आप मनुष्य पर्याय को प्राप्त हुए हैं, और आर्य क्षेत्र में आपने जन्म लिया है, आर्य क्षेत्र में जन्म लेने के साथ साथ जैन धर्म आपको मिला है, धर्म का परिपालन करने का अवसर आपको प्राप्त हुआ है। यथाशक्य एक प्राणी जो है अनुव्रत धारण करके, अनुव्रतों को धारण कर, अहिंसा का, अहिंसा अनुव्रत धारण करता है, मुनिरन तो महाव्रत धारण करते हैं, लेकिन सामान्य गृहस्थ जो है अहिंसा अनुव्रत का पालन करके, सत्य अनुव्रत का पालन करके, आचौर्य अनुव्रत का पालन करके, ब्रह्मचर्य अनुव्रत का पालन करके, और परिग्रह का परिमाण करके, तो वो भी अनुव्रत ही है। तो परिग्रह एक ऐसा हमारा शत्रु है, ये पांच पाप तो शत्रु हैं, लेकिन अभी वर्तमान में देखा जा रहा है कि अन्य पापों की तो बात कोई करता नहीं, सबसे बड़ा परिग्रह पाप सबके पीछे लगा हुआ है, और ये परिग्रह पाप जो है आपके इस मनुष्य जन्म को जो आपने प्राप्त किया है, इस धर्म को आपने प्राप्त किया है, उस धर्म को नाश करने में कारण है। इसलिए समय रहते हुए हमारे अध्यक्ष महोदय केशवनगर हाथ जोड़े बैठे हुए हैं, कुछ सुनने के लिए तैयारी कर रहे हैं। वो उदयपुर चातुर्मास तो संका होगा ही, इसमें कोई दोराई नहीं है। अब ये बात अवश्य है, कहाँ होगा इसके लिए अभी हमने अपने पास दिन सुरक्षित रखे हैं, और 20 तारीख की घोषणा होती रही कि 20 तारीख को घोषणा करेंगे, किंतु हमने 5 दिन और अपने बड़ा जो 25 तारीख को इसकी घोषणा होगी, तो 20 से 25 के बीच में कभी भी हम घोषणा कर सकते हैं, और उस घोषणा के अनुसार संघ जो है उदयपुर में किसी भी विभाग में अपना चातुर्मास 23 का संपन्न करेगा, क्योंकि 2024 में इस युग में जिन्होंने मुनि धर्म का संरक्षण किया, जैन संस्कृति को बचाया, जैन शास्त्रों की रक्षा की, उन महापुरुष परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती भस्माचार्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के आचार्य पद को 100 वर्ष पूरे होने, उस 100 वर्ष का जो महोत्सव है वह भी उदयपुर में ही मनना है। तो इसलिए सभी कॉलोनी के लोगों ने प्रार्थना अवश्य की है, पर प्रार्थना तो की, आज थोड़ा सा परिवर्तन उसमें हो गया, सभी 23 और 24 दो दो चातुर्मास मांग रहे थे, 23 का भी चातुर्मास हमारे यहाँ करो, 24 का चातुर्मास भी हमारे यहाँ करो, तो ये बात तो
शक नहीं है कि उदयपुर इतना बड़ा है और उसके बीच में उदयपुर शहर में रहते हुए एक ही स्थान पर दो दो चातुर्मास हो, ये संभव नहीं लगता। ठीक है ना, कल सर्वोत्तम विलास वाले लोगों ने भी 2 वर्ष मांगे थे, अनेक जगह जहां भी प्रार्थना की गई 2 साल। तो 2 चातुर्मास तो एक साथ किसी को नहीं मिल सकते, लेकिन हमारे धनराज जी ना, हाँ वो बेटे वो कह रहे हैं, मगर हम तो एक ही मांग रहे हैं, हमने तो एक ही मांगा है, हम अभी 2 की बात ही नहीं करते। तो ठीक है, भावना आप सबकी ठीक है, सभी लोग उदयपुर वासी, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि चातुर्मास कहीं भी हो लेकिन उदयपुर वाले संघ को छोड़ेंगे नहीं। जहाँ भी चातुर्मास होगा वहाँ आएंगे और धर्म दर्शन सुनेंगे, ऐसी बात नहीं है। इसलिए कोई बात नहीं, हम विचार कर रहे हैं कहाँ पर चातुर्मास किया जाए, इसलिए अभी हम उसकी घोषणा नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि आप अपने ज्ञान सरोवर में डुबकी लगाते रहें और ज्ञान स्वरूप में ज्ञान सरोवर में डुबकी लगा करके सम्यक ज्ञान की बात कर रहे हैं हम सम्यक ज्ञान जो है वो आत्मपीठ में मिलेगा, हमारी आत्मा सम्यक दर्शन प्राप्त करेगी तो हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान बनेगा। ज्ञान तो सभी के पास है, उस एकेंद्रीय जीव के पास भी ज्ञान है, लेकिन उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है, उसमें इतनी शक्ति और सामर्थ्य नहीं है कि वो आत्महित की बात सोच सके, विचार कर सके कि किस प्रकार से क्या कार्य करूं जिससे मेरी आत्मा का हित हो। हित और अहित का विवेक जो है वो तो सम्यक ज्ञान से ही प्रकट हो सकता है, वह सम्यक ज्ञान आप सभी को प्राप्त हो और उस ज्ञान सरोवर में डुबकी लगा करके आप अपने सर्व शांति स्थान को जो मोक्ष है उस मोक्ष को प्राप्त करें। इन्हीं मंगलमय भावना के साथ जय बोलो आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी की।